हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम अंबिका की मेहंदी में पहुँच गए। अंबिका भी एकदम तैयार होके स्टेज में बैठी हुई है। फिर हमने फोटोज़ खिंचवाई और आप मेरी मम्मी पापा को देख सकते हैं। दोनों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, काजल, मोनिका, और दुल्हन ने भी ग्रीन पहना हुआ था। इनफैक्ट मेरी बुआ की फैमिली सभी लोगों ने ग्रीन पहना हुआ था और मैंने और हरीश ने ग्रीन नहीं पहना था, क्योंकि रिसेंटली हमने राहुल की शादी में ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया था। तो मैंने सोचा चलो हम लोग डिफरेंट कलर पहनते हैं। और फिर सभी लोगों ने डांस करना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं ये हमारे गांव का सामुदायिक भवन है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है यार, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे क्यों नहीं बनाई इतना अच्छा, नहीं तो मैं भी यहीं शादी करती। लेकिन गाइस, सच में हमारे यहाँ का सामुदायिक भवन ना वेडिंग पॉइंट को टक्कर देता है। सच में बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग सोचते होंगे कि प्रियंका कितनी शादियाँ अटेंड करती है, बट भाई मेरे साइड तो आजकल बहुत शादियाँ होती है, क्योंकि मेरे साइड के मेरे मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे सब बड़े हो गए हैं और सबकी शादियाँ होने लगी है। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तब हरीश लोगों के साइड ना बहुत शादियाँ होती थी। फिर मैं हरीश को पूछती थी यार तुम्हारे यहाँ कितनी शादियाँ होती है, बट अब मेरे यहाँ नंबर लग चुका है। मेरे यहाँ कंटिन्यू मतलब हर 6 महीने में शादियाँ हो रही है किसी ना किसी अपने की। बहुत डांस करने के बाद हम लोग थक गए। फिर हम लोग आराम से बैठ गए। मम्मी देख रही है, मम्मी पीछे लगी हुई थी बातें करने में। और यह है नीमा, नीमा की भी शादी हुई थी और मैं शादी में नहीं आई, इसलिए नीमा मुझसे बहुत नाराज़ हो रही थी। नीमा मुझे बोल रही थी आप ना यहाँ पर सबकी शादियों में आते हो, मेरी शादी में नहीं आए। फिर मैंने नीमा को बहुत मुश्किल से मनाया, क्योंकि भाई नाराज़ होना भी बनता है, क्योंकि नाराज़ भी अपनों से ही हुआ जाता है। और ये मेरी बुआ की फैमिली है, बुआ लोगों का फोटो शूट चल रहा था। और अब सारे लोग जा चुके थे, यहाँ पर जितने बैठे थे वो सब अपने ही थे, क्योंकि जितने भी मेहमान वगैरह आए थे तो सभी जा चुके थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम लोग तो भाई 2:30 बजे तक लगे रहे कंटिन्यू डांस करने में। और मेरी बुआ लोगों को फोटोशूट इतना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई मेहमान रहते हैं, तो भाई पहले उनको ही अटेंड करना पड़ता है। इसीलिए दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स का फोटोशूट हमेशा लास्ट में होता है। और मेरा बेटा भी लगा हुआ था गढ़वाली गानों में डांस करने में। अब तो ये बहुत अच्छी बात है कि नक्शु सारे गाने समझता है और बहुत डांस करता है, बहुत इंजॉय करता है। Thank you.
बहुत डांस करने के बाद हम लोगों ने खाया खाना, क्योंकि हमने खाना तभी खाया जब दुल्हन ने खाया, तो भाई हम अपनी बहन अंबिका के बिना खाना कैसे खा सकते थे, तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे लास्ट में खाना खाया। फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब हम लोग घर चलते हैं, फिर हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, फिर हम लोग रील्स के लिए वीडियोज़ बनाने लगे। आप मेरे प्रियान वाले अकाउंट में ये रील्स देख सकते हैं। अब सारे लोग जा चुके थे और ऋतिक की, रणी की और अक्कू की मस्ती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगे हुए थे काजल को चिढ़ाने भी कि काजल तूने अब कपड़े चेंज कर लिए, अब हम इस पे हाथ साफ करते हैं, और काजल के पीछे ही पड़ गए सभी लोग, बाप रे बाप। और गाइस अब मैं चलती हूँ सोने, क्योंकि भाई इनको तो नींद आ नहीं रही है, बट मुझे तो नींद आ रही क्योंकि कल है अंबिका की हल्दी। गाइस आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार ढेर सारा सपोर्ट देना। मिलते तुम होते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।